शहरी विकास आवास नगर नियोजन विधि संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित पार्किंग स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारद्वाज ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय संस्कृति का सच्चा सिपाही और प्रतीक बताया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत माता के वर्चस्व को विश्व में ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सत कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई योजना को अपनाते हुए उन्नति और प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। शहरी विकास मंत्री छोटा शिमला में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पोखरण, परमाणु परीक्षण और कारगिल विजय ने उनके राष्ट्र प्रेम को दर्शाया। उनके इस निर्णय से भारत की संयम, सक्षम और सुरक्षा की नीति को पड़ोसी देशों के साथ साथ पूरे विश्व में जाना। पोखरण परमाणु परीक्षण ने दुनिया में साबित किया कि भारत शक्ति का प्रयोग शांति स्थापित करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के मार्ग पर चलकर उन्हीं परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परख वाणी आम जनमानस के हृदय पर अमित छाप छोड़ती थी। वो उच्च कोटि के कवि, साहित्यकार व राजनेता थे जो जनता का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित करते थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से विशेष लगाव रहा है। वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे। उनकी हिमाचल प्रेम के कारण ही उस दौरान अनेक योजनाएं केंद्र से प्राप्त हुई है। भारतीय संस्कृति के सच्चे सिपाही और प्रतीक आजीवन उन्होंने इस भारत माता के वर्चस्व को विश्व में ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सतत कार्य किया। एक कुशल वक्ता थे, एक आम जनता के जनमानस पर जो है वो हृदय पर जो है उनकी अमिट छाप है। जब वो बोलते थे श्रोता अपना स्थान छोड़ने से जो है वो चाहे जितना भी कोई कार्य क्यों ना हो वो इच्छा नहीं होती थी। उन्होंने देश को सामरिक दृष्टि से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो है वो दुनिया में खड़ा किया। जब पोखरण में उन्होंने परमाणु बम का जो है विस्फोट किया, क्योंकि उस परमाणु बम के परीक्षण के लिए उससे पूर्व की सरकारें हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और विदेशी ताकतों के दबाव में जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्धियां प्राप्त की गई थी उनको परीक्षण करने में सफलता रही थी। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में ये साबित किया कि भारत किसी भी दूसरे देश से कम नहीं है। और साथ ही उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि हम शक्ति का प्रयोग अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए नहीं वरन दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जो है वो कर रहे हैं। और उसी भावना के अनुरूप आज भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।